हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन द एस वीक इंग्लिश क्लासेस। टुडे इट इज द टॉपिक ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। तो फ्रेंड, एक्टिव पैसिव में मैं आपको सबसे पहले देयर का यूज कराने जा रही हूँ कि जब हमारा देयर आता है और क्या बन के आता है फ्रेंड, ये हमारा सब्जेक्ट बन के आता है। तो फ्रेंड, इसका हम एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं फ्रेंड? देयर का फिर बराबर में फ्रेंड क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, इसमें सब आता है। कैन, कुड, ठीक है, मैन, वर्ब में जो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो फ्रेंड सबसे पहले देयर का यूज करते हैं, फिर वर्ब। तो फ्रेंड वर्ब में क्या आता है? इज, एम, आर, सब आता है। जैसे कि इज है, एम है, आर है, वॉज, वर है ना, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, जितनी हमारी वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब, एक्चुअली वर्ब जितनी होती हैं है ना, वो सब पहले क्या आती हैं? वर्ब आती हैं उसके फ्रेंड। और फ्रेंड इसके बाद क्या आता है? हमारे नाउन आती है, ठीक है। नाउन को हम कैसे चेंज करते हैं फ्रेंड केस में? तो नाउन का रूप क्या होता है? एक सब्जेक्ट के रूप में आती है नाउन। फिर हमारा इन्फिनिटिव आता है, जिसे फ्रेंड हम क्या करते हैं? मैन वर्ब से पहले टू का यूज करते हैं। तो फ्रेंड ये सब किस पे होता है? हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। तो फ्रेंड अब हम किस में करेंगे इसको? पैसिव में करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले देयर का यूज करते हैं, फिर वही वर्ब आती है, जैसे कि वो इज है, एम है ना, आर है ना, जैसे कि वॉज है, बर है ना, डू है, डज है, हैज है, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, ऑटो, जितनी भी हमारी वर्ब होती हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और फ्रेंड जितनी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं, कौन सी वर्ब फ्रेंड? मॉडल वर्ब होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है, जिसे हम नाउन कहते हैं, और नाउन होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर आता है फ्रेंड हमारा टू, जो इन्फिनिटिव होता है। जब टू होता है तो फ्रेंड हम किसका यूज करते हैं? टू के साथ हमेशा वी का यूज करते हैं। फिर आती है थर्ड फॉर्म। कैसे करते हैं फ्रेंड, मैं आपको ये बता रही हूँ। नो मनी टू बाई, ठीक है। तो देखो, देयर इज नो मनी टू बी व्हाट? देयर इज नथिंग टू गेन। तो देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड। देयर इज टाइम टू स्टडी। तो देयर इज टाइम टू बी स्टडी। देयर इज नथिंग टू बी सेट। देयर वॉज टाइम टू लेबर। तो देयर वॉज टाइम टू बी लेबर। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये अंडरस्टैंड किए हैं, तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड यदि किसी स्टूडेंट समझ में नहीं भी आते हैं, तो फ्रेंड मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। देयर इज एनी एल्स टू गुड, है ना। तो देयर इज एनी एल्स टू बी गुड। तो फ्रेंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई।